हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वशिष्ठ, आपका फ्रेंड। आज की वीडियो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है कि किस तरह से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में सारे के सारे केसेज वगैरह ट्रांसफ़र कराए गए और पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में ट्रांसफ़र की गई। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएँ, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पर क्या था, 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था और उसके बाद में जब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को ख़त्म किया गया तो पावर्स किसको ट्रांसफ़र कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर्स ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद में एग्जिस्टेंस में आया और फेडरल कोर्ट का की एस्टेब्लिशमेंट 1937 में हुई। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में उस टाइम पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और एडिशनल ज्यूरिसडिक्शन थी, जो कि आज के टाइम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। फेडरल कोर्ट तब तक काम करता रहा 1950 तक, तब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में नहीं आया। फेडरल कोर्ट जो है वो दिल्ली में था। हाउएवर अ सेपरेट फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान इन कराची। फेडरल कोर्ट था वो दिल्ली के अंदर था, जबकि एक सेपरेट फेडरल कोर्ट कराची पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश किया गया बंटवारे के बाद में, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उसके बाद में। और जो फाइनल अपील की अथॉरिटी थी वो प्रीवी काउंसिल थी लंदन में। प्रीवी काउंसिल के अंदर केसेस सुने जाते थे फाइनली। फेडरल कोर्ट के पास में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन थी टू हियर एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि आज के टाइम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि किसी प्रोविंस के पास में के बीच में और किसी अनदर प्रोविंस के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या फिर प्रोविंस के और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या फिर दो या तीन प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो इन केसेस को सुनने की जो पावर थी वो फेडरल कोर्ट के पास में थी उस टाइम पे। जो आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है और प्रोविंसेस को अब स्टेट कर दिया गया है, तो प्रोविंसेस की बजाय स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और उस टाइम पर फेडरल कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी। इनिशियली इट वॉज एम्पावर्ड टू हियर अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। स्टार्टिंग में हाई कोर्ट से अपील सुनने के लिए एम्पावर किया गया था फेडरल कोर्ट को। फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग केसेज भी फेडरल कोर्ट के पास में जाने लगे और 5 जनवरी 1948 के बाद में जो दूसरे केसेज भी थे जो इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग नहीं थे, वो केसेज भी फेडरल कोर्ट सुन सकती थी अमेंडमेंट होने के बाद में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इस तरह से है फेडरल कोर्ट की कि फेडरल कोर्ट 1 अक्टूबर 1937 में एग्जिस्टेंस में आया और जो फेडरल कोर्ट की सीट थी वो पार्लियामेंट बिल्डिंग दिल्ली के अंदर थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर इसकी सीट थी फेडरल कोर्ट की। चीफ जस्टिस जो थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट के, वो थे सर मॉरिस क्वायर और दो दूसरे जजेस को भी अपॉइंट किया गया उस टाइम पर। जो अदर टू जजेस थे वो थे सर शाह मोहम्मद सुलेमान एंड एम आर जायकर, ये दूसरे जजेस थे। फिर उसके बाद में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आ गया और इसके बाद में ये जजेस के बारे में बताया गया है, जजेस के बारे में ही कि सर मॉरिस क्वायर जो थे उनका जो टाइम पीरियड था वो 1 अक्टूबर 1937 से स्टार्ट हुआ और 25 अप्रैल 1943 तक, और इनका वर्किंग टाइम पीरियड रहा था 2032 दिनों का, और ये आए थे इनर टेंपल बार से जो कि लंदन की बार है। फिर उसके बाद में सर श्रीनिवास, इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 25 अप्रैल 1943 से और 7 जून
1943 तक, ये 43 डेज तक इन्होंने काम करा था। ये एक्टिंग जज रहे थे और उनके बाद में जैसे ये सर मोरिस ग्वायर छोड़कर चले गए थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद में सर श्रीनिवास जो थे वो एक्टिंग जज रहे थे। सर पैट्रिक स्पेंस, इन्होंने 7 जून 1943 को कार्यभार संभाला और 14 अगस्त 1943 तक रहे। ये 1529 दिनों तक ये जज रहे फेडरल कोर्ट में और ये इनर टेंपल बार से आए थे। सर एच जे कन्हैया, 14 अगस्त 1947 को इन्होंने कार्यभार संभाला और 26 जनवरी 1950 तक रहे ये, और 896 दिनों का इनका कार्यकाल रहा था और बॉम्बे हाई कोर्ट की बार से ये आए थे और इन्हें मतलब कि शपथ दिलवाई गई थी, इनको नॉमिनेट करा गया था सर विस्काउंट माउंटबेटन के द्वारा। और जब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट बनी तो उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस भी सर एच जे कन्हैया ही बने थे। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो फेडरल कोर्ट की पावर्स थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई और जो अपील की पावर्स थी प्रिवी काउंसिल को, वो प्रिवी काउंसिल की पावर्स ख़त्म कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट को ही फाइनल अपीलेट अथॉरिटी भी बना दिया गया। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री, किस तरह से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आई, फेडरल कोर्ट की डेवलपमेंट हुई और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आई 28 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे क्लैट, LLB, LLM, AIB या फिर जुडिशियल एग्ज़ाम, तो उनके रिगार्डिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। थैंक यू फ्रेंड्स।